अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अरबी भाषा बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अरबी भाषा मिला करके बोल सकते हैं। एक भाई का सवाल है, उन्होंने हमें कमेंट किया था। उनका कहना है कि मैं सऊदी में नया आया हूँ और हाउस ड्राइवर में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अरबी बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे अरबी नहीं आ रही है। मैडम लोग जब गाड़ी में बैठती है, जब हम गाड़ी चलाता हूँ, तो क्या मालूम क्या क्या बोलती हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ हमें बताइए, एक वीडियो बना करके, अगर मैडम गाड़ी में बैठती हैं तो ड्राइवर से कैसे बात करती हैं, वो क्या बोल सकती हैं और ड्राइवर को कैसे समझना चाहिए और उसी तरह से वो ड्राइवर को काम करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला और भी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर मैडम आपको, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैडम अगर आपको बोलती है कि गाड़ी चालू करो, तो गाड़ी चालू करने का जो होता है अरबी में कहते हैं सगल सैयारा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को तो मालूम हो गया होगा, ठीक है। नहीं मालूम है तो समझ लीजिए, गाड़ी चालू करने को कहते हैं सगल सैयारा, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ड बताऊंगा जो कि ये वर्ड आपको याद करना होगा। जब इस वर्ड को आप याद करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैडम क्या बोलती है। ये जो मैं वर्ड बताऊंगा ना, ये मैडम जो लोग बोलती हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है जो मैं वर्ड बताऊंगा, तो इस वर्ड को आप ज़रूर याद करें, आपको बहुत काम आएगी। अगर वर्ड याद नहीं रहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैडम क्या बोल रही हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हम बताते हैं कि वर्ड कौन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले मैडम बोलती हैं कि सगल सैयारा, तो इसका मतलब हिंदी में हुआ गाड़ी चालू करो, ठीक है। मैडम लोग गाड़ी में आके पीछे बैठ जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा, ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट। लेफ्ट को अरबी में कहते हैं इसार, ठीक है। लेफ्ट को अरबी में कहते हैं इसार। और ये राइट है, राइट को अरबी में कहते हैं यमीन, ठीक है, यमीन कहते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं जो वीडियो में बताऊंगा, अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, समझ गए, लेफ्ट को इसार और राइट को यमीन, ठीक है। सीधा को अरबी में सीधा ही कहा जाता है, ठीक है। अगर हम सीधा जा रहे हैं तो सीधा को अरबी में सीधा ही कहा जाता है। यू टर्न हमको लेना है तो यू टर्न को क्या कहते हैं, फोक तहत, ठीक है, फोक तहत। और गाड़ी पीछे करना है, पीछे को क्या बोलते हैं, वरा, पीछे को वरा कहते हैं, ठीक है। अगर मैडम कहती है कि हॉर्न बजाओ, तो हॉर्न को क्या कहते हैं, ये हॉर्न होता है ना, ये जो हम गाड़ी बजाते हैं, हॉर्न को क्या बोलते हैं, बोरी। मैडम लोग ये बोल सकती हैं आपको, वो बोलेंगे अरबी में, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो लोग बोलेंगे, ठीक है। हॉर्न को अरबी में कहा जाता है बोरी, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अब मैं आपको मिला करके बताऊंगा कि किस तरह से मैडम आपको बोल सकती हैं, ठीक है। मैडम पीछे बैठ गई, अगर आपको बोल दी कि सगल सैयारा, तो सगल सैयारा का मतलब होता है गाड़ी चालू करो, गाड़ी चालू करके आप बैठ गए, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, गाड़ी चालू करो, एसी चालू कर दो। एसी को मुकेफ कहते हैं, ठीक है, एसी को मुकेफ कहते हैं। अगर मैडम बोली कि सगल मुकेफ, तो आपको एसी चालू करना है, यानी सगल मुकेफ मतलब एसी चालू करना, ठीक है। मैडम गाड़ी में बैठ गए, आप भी गाड़ी स्टार्ट करके बैठ गए, सगल सैयारा करके आप गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। इसके बाद अगर मैडम आपको कहती है या ला यमसी, ठीक है, या ला यमसी, या तो मैडम ये भी बोल सकती, या ला यमसी का मतलब होता है कि चलो अब, ठीक है, या तो ये बोल सकती हैं या ला रोह, यानी चलो, ठीक है, रोह मतलब होता है चलो, ठीक है। और
या तो आप पूछ सकते हैं, या तो आप पूछ, अगर मैडम नहीं कहती हैं तो आपको पूछना होगा, ठीक है। अगर मैडम नहीं कहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, तो आपको पूछना है। खलास यमसी, खलास यमसी, आपको यही पूछना है। फिर इसका मतलब होता है कि मैं चलूं, अब कुछ काम नहीं है ना, खलास यमसी का मतलब होता है मैं चलूं, ठीक है। मैडम अगर नहीं कुछ कहती हैं तो आपको पूछना है। अगर मैडम कहती है कि हाँ चलो इस जगह पे जाना है जहाँ पहले आप गए हैं, मान के चलिए किसी मॉल में जाना है, तो मॉल को कहते हैं मुजम्मा, ठीक है, मॉल को मुजम्मा कहा जाता है। अगर मैडम कहती हैं कि या अल्लाह रोह मुजम्मा, ठीक है, या अल्लाह रोह मुजम्मा, यह इसका मतलब है कि मॉल में चलो, हिंदी इसका हुआ कि मॉल में चलो, ठीक है। अगर आप उस मॉल को देखे हो तो आप जा सकते हो, मैडम को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको मॉल के बारे में पता है कि मॉल कहाँ पर है, पहले आप गए हैं, तो आपको मैडम को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैडम बोलती है कि इंता मालूम मुजम्मा, तो आप देखे हैं तो आप बोल सकते हैं आई वा अना मालूम, आई वा अना मालूम, इसका मतलब हिंदी में हुआ हाँ मुझे पता है, ठीक है। अगर उस मॉल को आपने नहीं देखा है, अगर मैडम कहती है कि चलो मुजम्मा चलो, मॉल में चलो, अगर उस मॉल को आप नहीं देखा है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अना माफी मालूम, मुजम्मा अना माफी मालूम, ठीक है, मुजम्मा अना माफी मालूम, इसका मतलब होता है कि मॉल को मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है। इतना बोलोगे तो मैडम क्या बोलेगी, तैब अना रकीब लोकेशन, तैब अना रकीब लोकेशन, इसका हिंदी होता है कि ठीक है मैं लोकेशन रखता हूँ, यानी लोकेशन रखता हूँ, ठीक है, मोबाइल में लोकेशन लगाएगी वो, ठीक है, लगाने का होता है ये लोग बोलते हैं अरबी में रखता रकीब अना, ठीक है, रकीब। तो मैडम बोलेगी तैब अना रकीब लोकेशन, तो आपको बोलना है ओके, ओके बोलो या तैफ बोलो, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है, ओके का मतलब होता है तैफ, ठीक है, अरबी में तैफ कहते हैं और इंग्लिश में ओके कहते हैं, तो ये बोल सकते हैं ओके। तो मैडम अगर मालूम है मैडम को तो आपको बोलेगी ठीक है चलो आगे, यमसी या अल्लाह यमसी, तो आपको चलना है, ठीक है। फिर मैडम कहेगी मोहम्मद रोह इसार, क्या बोलेगी, मोहम्मद रोह इसार, इसका मतलब होता है कि भाई लेफ्ट में चलो, मैं आपको पहले बोला हूं ना कि इसार का मतलब होता है लेफ्ट। अगर मैडम को राइट में जाना रहेगा तो वो बोलेगी मोहम्मद रोह यमीन, रोह यमीन, रोह मतलब जाना होता है, ठीक है, और राइट मतलब यमीन होता है, इसका मतलब हो गया है कि यमीन चलो, मैडम क्या बोलेगी, मोहम्मद रोह यमीन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है राइट को यमीन कहते हैं और लेफ्ट को इसार कहते हैं, ठीक है। अगर सीधा जाना है तो मैडम बोलेगी सीधा, आपको रास्ता पता नहीं है, आप कंफ्यूज रहेंगे, तो आप भी पूछ सकते हैं कि मैडम सीधा, तो मैडम भी बोलेगी सीधा, क्योंकि अरबी में सीधा को सीधा ही कहा जाता है, हिंदी में भी सीधा कहते हैं और अरबी में हम सीधा ही कहते हैं, ठीक है। अगर यू टर्न लेना है तो मैडम बोलेगी मोहम्मद फोक तहत, फोक तहत, ठीक है, फोक तहत का मतलब होता है यू टर्न, वो क्या बोलेगी, मोहम्मद फोक तहत, यानी भाई तुम यहां से यू टर्न ले लो, तो यू टर्न को अरबी में फोक तहत कहते हैं, ठीक है। अगर मैडम कहती है कि वगब, तो आपको गाड़ी साइड में करके रुकना है, वगब मतलब होता है रुकना, ठीक है, वगब अरबी में कहते हैं और रुकना हिंदी में कहते हैं, जानते हैं, वगब मतलब रुकना, ठीक है। उसके बाद अगर मैडम कहती है कि रोह सैयारा वरा, सोया वरा, तो इसका मतलब है थोड़ा गाड़ी पीछे लो, वरा का मतलब होता है पीछे, अरबी में वरा कहते हैं, हिंदी में पीछे कहते हैं, सोया का मतलब है थोड़ा, मैडम बोलेगी सैयारा सोया वरा, यानी गाड़ी का मतलब, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, सोया का मतलब होता है थोड़ा, वरा का मतलब पीछे, ठीक है। क्या बोलेगी मैडम,
सैयारा सोया ओरा, सैयारा सोया ओरा ऐसे भी कह सकते हैं, सैयारा सोया ओरा। तो यानी गाड़ी को थोड़ा पीछे लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मैडम बोलेगी, सामने दुकान रहेगा या पीछे दुकान रहेगा? तो मैडम बोलेगी, सैयारा सोया वरा हादा बकाला इबगान, ठीक है। इसका मतलब हुआ है हिंदी में कि गाड़ी को थोड़ा पीछे लो, मेरे को ये वाला दुकान चाहिए, यानी ये दुकान पे मेरे को जाना है, ठीक है। इस तरीके से मैडम आपको बोल सकती है। दुकान से काम ख़त्म हो जाएगा तो मैडम आपको बोलेगी, या अल्लाह मोहम्मद रो मुजम्मा, जो कि मैं आपको पहले बताया कि मुजम्मा मतलब होता है मॉल, ठीक है। तो मॉल का वो रास्ता बताएगी किस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। अगर लेफ्ट जाना है तो आपको इसार यमीन जाना है, राइट। मॉल में जाएगी मैडम, वहाँ पर उतरेगी, आपको बोलेगी, मोहम्मद शुभ मकान कोइस रकीब सैयारा, यानी कि तुम जगह अच्छा देख करके गाड़ी पार्किंग कर दो, ठीक है। पार्किंग को मकान बोलते हैं, ठीक है, पार्किंग को मकान बोलते हैं, जगह को भी मकान बोलते हैं, ठीक। उसके बाद मैडम मॉल में से सामान वामान खरीद लेगी तो आपको फ़ोन करेगी, मोहम्मद वेन, इसका मतलब होता है कि भाई तुम कहाँ हो। आपको बोलेगी कि जिप सैयारा बाप वरा बाप गिद्दाम, ठीक है। इसका मतलब होता है कि गाड़ी लेके आओ, चाहे वो मॉल के पीछे रहेगी पीछे वाले दरवाजे पे, या तो मॉल के आगे वाले दरवाजे पे रहेगी, ठीक है। बाप वरा बाप गिद्दाम, ठीक है, बाब बाप गिद्दाम बाब वरा, वरा मतलब पीछे, गिद्दाम मतलब आगे। और गेट नंबर भी रहता है, चाहे आप गेट नंबर पूछ सकते हो कि मामा बाप कम रकम, बाप कम रकम, ठीक है। आप इस तरीके नंबर को रकम बोला जाता है, ठीक है, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। उसके बाद मैडम आके गाड़ी में बैठेगी, फिर आपको बोलेगी, या अल्लाह रोहबेत, या अल्लाह रोहबेत, यानी घर चलो, बेत को घर बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं और उसको जाना रहेगा तो आपको बताएगी, कहीं हॉस्पिटल में जाना रहेगा बोलेगी मुस्तस्फा, या अल्लाह रो मुस्तस्फा, कहीं गार्डन में बैठना रहेगा तो वो बोलेगी, या अल्लाह रो हदीका, गार्डन को हदीका बोलते हैं, हॉस्पिटल को मुस्तस्फा बोलते हैं। इसके अलावा कहीं और दुकान पे जाना रहेगा तो दुकान को बकाला बोलते हैं। अगर नहीं कहीं जाना रहेगा तो डायरेक्ट घर आना रहेगा तो आपको बोलेगी, या अल्लाह रोहबेत, तो आपको घर पे आना है। इसका मतलब होता है, या अल्लाह रोहबेत मतलब घर पे चलो, तो आपको घर पे आना है, मैडम को उतार देना है। उसके बाद मैडम घर पे आएंगी, आप अपने रूम पे चले जाओ, मैडम अपने घर पे चले जाएंगी। इस तरीके से होता है हाउस ड्राइवर में काम, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ऑल पे ज़रूर करिए ताकि आने वाला और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।